हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द निलिट 2022 एग्जाम दैट हैपेंड एंड वील बी कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, राइट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द क्वेश्चंस ऑफ निलिट 2022 आर फ्रॉम योर गेट PYQs. सो इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, ठीक है, चाहे आपका निलिट का एग्जाम हो या बी इट योर इसरो एग्जाम या बी इट योर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम है रिलेटेड टू CS, तो वो सारे ही एग्जाम्स बेसिकली जो हैं दे ऑल हैव गेट PYQs. सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेट PYQs, ठीक है। इसमें अभी आप देखोगे 2001 के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इन दिस निलिट 2022 पेपर. सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ प्रैक्टिस गेट PYQs एज मच एज यू कैन, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग एनी ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर योर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. Okay, if you have any doubt, you can call on these two numbers 98218-76104 or 98218-76102. Okay, these are the two numbers. You feel free to call related to course or related to any query if you have. And you can also write us at email us at admin@gatelectures.com. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वील बी एडिंग द टेलीग्राम ग्रुप लिंक. सो फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, so these questions we have already discussed and I hope that you all have no problem with these questions. Okay, we have already discussed these questions. Let's start with this one. So we have to start with this question. The last question that we discussed was this one, hard disk with 16 recording surfaces. So I hope everybody has understood this and there is no doubt with this particular question. Let's start with the next one. Okay, so Sendo uses stop and wait ARQ protocol. I hope you all know what is stop and wait. ठीक है, तो ARQ is automatic repeat request. Okay, ARQ is automatic repeat request. So we are using over here stop and wait ARQ protocol for reliable transmission of frames. Frames are of size 1000 bytes. Size of frame is 1000 byte and transmission rate at sender is 80 kbps. That is 80 kbps is 1000 bits per second. Size of acknowledgement is 100 bytes and transmission rate at receiver is 8 kbps. So yahan pe they have given you acknowledgement size as well. The one way propagation delay is 100 milliseconds. Assuming no frame is lost, sender throughput is. So how you will do it? So kya yahan pe kya keh rahe hain? What you have to see is ki ye aapka sender hai. Okay. येस, ये आपका सेंडर है, ठीक है, एंड दिस इज़ द रिसीवर एंड इनके बीच में देयर इज अ चैनल थ्रू विच दे आर कम्युनिकेटिंग. दे आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन विद इन विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल. ठीक है, नाउ फ्रॉम हेयर दे हैव गिवन दिस दैट फ्रेम साइज इज 1000 बाइट्स एंड ट्रांसमिशन रेट एट सेंडर. मतलब ट्रांसमिशन, वॉट इज ट्रांसमिशन टाइम? ट्रांसमिशन टाइम इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय सेंडर टू ट्रांसमिट द फ्रेम ऑन टू द चैनल. दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम. सो वॉट इज द ट्रांसमिशन रेट एट सेंडर? ठीक है, वो आपको दे दिया 80 kbps एंड एक्नोलेजमेंट का साइज भी दिया हुआ है एंड ट्रांसमिशन रेट एट रिसीवर. रिसीवर क्या ट्रांसमिट कर रहा है? रिसीवर इज ट्रांसमिटिंग द एक्नोलेजमेंट. ठीक है, वेन वन पैकेट, सपोज दिस इज यू, दिस इज द सेंडर, दिस इज रिसीवर. नाउ इफ यू सी दिस, वॉट हैपन्स इन ऑटोमेटिक रिपीट, सेंडर विल सेंड द पैकेट. ठीक है, एंड देन इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. तो अगर ये आपका डेटा सेंड हुआ है, सो व्हेन रिसीवर विल सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट, देन सेंडर विल सेंड द नेक्स्ट पैकेट. दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट. इट विल सेंड, इट विल देन स्टॉप एंड इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. दिस इज योर स्टॉप एंड वेट. सो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन रेट कितना है, रेट ऑफ रिसीवर. दिस इज योर TR एंड दैट इज योर transmission rate of receiver. So what is the receiver sending? Receiver is sending the acknowledgement. ठीक है, so we know the formula. What formula we have for transmission time? ठीक है, transmission time is data size upon bandwidth. I hope you all know this. Correct, data size upon bandwidth. So first we will find with respect to sender. What is data size? Data size is 1000 bytes. So we'll write it over here, 1000 bytes upon what is the bandwidth? I hope you all know that kbps. This is the SI unit for bandwidth. ठीक है, ये आपकी SI unit है bandwidth की. This is 80 kbps. So I'll write it over here, 80
KBPS. So when you will solve this, you will get what? This is bytes. You will convert into bits. 1000 into 8 upon 80. What is KBPS? KBPS is 1000 bits per second. So this will cancel out. This will 10. This will cancel out each other. So the answer for this will come out to be 0.1 second. ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसमिशन टाइम फॉर सेंडर. नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द ट्रांसमिशन टाइम एट रिसीवर, दैट इज TTR. अगेन व्हाट इज डेटा साइज? डेटा साइज इज 100 बाइट्स, बिकॉज इट इज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्नॉलेजमेंट. 100 बाइट्स अपॉन व्हाट इज द बैंडविड्थ? 8 kbps. सो अगेन व्हाट यू विल डू? 100 इनटू, वी कन्वर्ट इनटू बिट्स, सो इनटू 8 इनटू 1000. So this will be this and this will be this. So again it will be, so one, ये आपका millisecond में, ठीक है, ये आपका 100 milliseconds में है. So we'll convert this into milliseconds. This will be 100 millisecond and this will also be 100 millisecond. ठीक है, now what will be total time? See यहाँ पे क्या बोला हुआ है, one way propagation delay. So total time हो गया transmission time of sender, then one way propagation delay, then acknowledgement and one way. ऐसा होता है ना, देखो यहाँ से आपने transmit किया, now this packet will go to receiver. So this is 100 milliseconds. Correct. Now when this acknowledgement is transmitted, so this acknowledgement will also transmit back to sender. That is again 100 milliseconds. So time कितना हो गया? If I have to calculate total time will be TTS plus TPS, that is from TPS to R, ऐसे समझ लो, ठीक है, propagation time from sender to receiver, plus then we have TTR and then plus propagation delay from receiver to send. So ये आपका है 100, this is again 100. This is again 100 and this is again 100 millisecond. That is 400 millisecond. ठीक है? Now what they are asking? They are asking the throughput. Sender throughput. This means that now what it says is, this means that in 400 milliseconds, how much data is traveling? 1000 bytes data is traveling. ठीक है? थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज बेसिकली हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटा कैन इज सेंडर बीइंग एबल टू सेंड. सो बाइट्स पर सेकंड, इन वन सेकंड हाउ मेनी बाइट्स आर बीइंग ट्रैवल. ठीक है, सो वन मिली सेकंड में कितना डेटा ट्रैवल हो रहा है? 1000 बाइट्स अपॉन 400, सॉरी, एंड देन व्हाट अबाउट वन सेकंड? वन सेकंड में कितना होगा? 1000 बाइट्स अपॉन 400 इंटू 1000, बिकॉज वन मिली सेकेंड इज 10^-3. So, ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, 10^-3. एंड वेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 2500 बाइट्स. सो व्हाट इज द आंसर? 2500 बाइट्स पर सेकेंड. इन वन सेकेंड व्हाट इज द सेंडर थ्रूपुट? 2500 बाइट्स पर सेकेंड. So this is what they are trying to ask and this is how you will solve this question. So stop and wait ARQ kya? Stop and wait ARQ is nothing. In this, sender will send the data, that it will wait for the receiver to send the acknowledgement. Jab tak receiver acknowledgement nahi bhejega, sender aage data forward nahi karega. ठीक है, सो सेंडर विल वेट फॉर द डेटा फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर. इसीलिए हमने ये 100 एंड 100 दो बार लिया है कि वन वे प्रोपगेशन डिले 100 मिली सेकेंड है. ठीक है, वन वे प्रोपगेशन डिले. Okay. Next question. Okay, this is also easy. Consider these two functions and two statements S1 and S2 about them. Statement 1 is transformation from work 1 to work 2 is valid. That is for any program state and input arguments. Work 2 will compute the same output and have the same effect on program state as work 1. Statement 2 है, all the transformations applied to work 1 to get work 2 will always improve the performance, that is reduce CPU time of work 2 compared to work 1. क्या होगा इसमें? क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे वो? See, work 1 में क्या है? We have a, ठीक है, एक a आपका पॉइंटर है, फिर एक इंटीजर आई, इंटीजर जे. इंटीजर एक्स है जिसमें एरे हम ले रहे हैं आई प्लस टू. सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एन
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, ठीक है, दैट इज ए, और ये आपका हो गया 10, 20, 30, 40, ठीक है। इसको हमने इंडेक्स नंबर दे दिया, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, क्या बोल रहे हो आपसे यहाँ पे, इफ यू सी ओवर हियर, वो बोल रहे हैं वर्क इन वर्क वन में अगर हम देखें इंटीजर एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आई प्लस 2, सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू आई एंड जे, सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल से दैट ओके I is equal to 0 and J is equal to let's suppose 2, ठीक है, मतलब J is equal to I plus 2, क्यों हमने ऐसा किया, because we have to check whether this statement, whether these two statements are giving the same things or not, ये जो आपके statements है, तो हमने assume किया कि okay, let us suppose that जो हमारा J है it is equal to I plus 2, ठीक है, now let's talk about work 1. वर्क वन वॉट इज एक्स, अगर आप देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 2, सो इट विल बी ए ऑफ 0 प्लस 2, दैट इज ए ऑफ 2, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देन एक्स इज हो गया आपका 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ए ऑफ जे इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वॉट इज जे, जे इज 2, सो ए ऑफ जे दैट इज ए ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 30 प्लस 1, दैट इज 31, ठीक है, ए ऑफ 2 31 हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न ए ऑफ आई प्लस 2, वॉट इज ए ऑफ आई प्लस 2, ए ऑफ आई प्लस 2 इज 30, ठीक है, सो 30 रिटर्न हमें करना है, 30 नो सॉरी ए ऑफ 2, अब आपका यहाँ पे ए ऑफ 2 जो हो गया वो क्या हो गया, ए ऑफ 2 यहाँ पे हो गया अब आपका 31, करेक्ट, सो अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे, रिटर्न आई प्लस 2, सो रिटर्न आई प्लस 2, I'll just write it over here only. A of I plus 2 minus 3. What it will be? I value 0. So A of 2 minus 3. What is A of 2 now? A of 2 ab aapki kya hai? 31. So 31 minus 3, that is 28. So work 1 ko jab hum pura proper process follow kar rahe hai work 1 ka. So we are getting the final value as 28. ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द सेम ऑन वर्क 2. क्या है वर्क 2 में, वी हैव टी आई, लेट्स टी 1, सो लेट्स अगेन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी 1, टी 1 क्या कह रहा है आपका, आई प्लस 2, दैट इज 0 प्लस 2, सो टी 1 हो गया आपका 2, ठीक है, व्हाट इज टी 2, ए ऑफ टी 1, सो व्हाट विल बी टी 2, टी टू हो गया ए ऑफ टी वन, दैट इज ए ऑफ टू, ए ऑफ टू कितना है आपका इनिशियली 30, बिकॉज इनिशियल एरे हमारी 30 है, ठीक है, इनिशियल एरे आपकी यहाँ पे हम वही लेंगे 10, 20, 30, 40, 0, 1, 2, 3, सो इनिशियल ए ऑफ टू आपका क्या हो गया 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ए ऑफ जे, ए ऑफ जे, सो अगेन जे हमने यही है, ये हमारा एजम्पशन सेम रहेंगे, ठीक है, तो ए ऑफ जे दैट इज यहाँ पे क्या है, ए ऑफ जे इज इक्वल टू व्हाट इज द स्टेटमेंट, टी टू प्लस 1, टी टू प्लस 1, सो ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ टू इज इक्वल टू टी टू इज 30, टी टू इज 30, दैट इज 30 प्लस 1, दैट इज 31. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, रिटर्न टी टू माइनस 3, सो टी टू, T2 क्या है आपका, T2 की वैल्यू 30 स्टोर हो गई है ना, यहाँ पे देखो A of 2 की वैल्यू आपकी चेंज हो गई, A of 2 बन गया आपका 31, बट जो T2 है, T2 माइनस 3, T2 की जो वैल्यू है वो क्या स्टोर हो गई है 30, ये जो हमने वैल्यू चेंज करी वो A of 2 में करी, बट T2 की वैल्यू ऑलरेडी 30 स्टोर हो चुकी है, दैट इज 27. अगर आप ऐसे सोचते कि टी टू एक आपका एरे वैल्यू है जिसमें 30 स्टोर हो गया, बिकॉज टी टू इज इक्वल टू ए ऑफ टू, अब ये जो वैल्यू आपकी अपडेट हुई है दिस वन, ये जो वैल्यू आपकी अपडेट हुई है, दिस वैल्यू इज अपडेटेड इन द ओरिजिनल एरे,
ठीक है, ये वैल्यू एरे में अपडेट हुई है, दिस वैल्यू इज नॉट अपडेटेड ऑफ टी टू. टी टू की वैल्यू सिर्फ टी टू को हमने दोबारा से कॉल करके दोबारा से वैल्यू को अपडेट नहीं किया है. टी टू में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है, दैट इज 30. सो व्हेन यू विल रिटर्न टी टू माइनस 3, टी टू विल गेट 30 ओनली. सो 30 माइनस 3 इज 27. सो एज यू कैन सी दैट दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल. सो वी सी द स्टेटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्क 1 टू वर्क 2 इज वैलिड. That is for any program state and input arguments, work 2 will compute the same output. तो ये प्रूफ हो गया कि अभी हमने प्रूफ किया कि सेम आउटपुट नहीं आया है. All the transformations apply to work 1 to get work 2 will always improve the performance of work 2 compared to work 1. So both the statements are false. S1 is false and S2 is false. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. सो वी हैव 2PL, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. सपोज ट्रांजैक्शन टी एक्सेस फॉर रीड और राइट ऑपरेशंस अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स O1 टू OK. दिस इज डन इन फॉलोइंग मैनर. स्टेप वन में है कि टी जो आपका ट्रांजैक्शन है, इट एक्वायर एक्सक्लूसिव लॉक्स टू O1 टू OK इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. स्टेप टू इज रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड स्टेप थ्री इज ऑल लॉक्स आर रिलीज्ड. So, the protocol will guarantee serializability and deadlock freedom. Neither serializability nor deadlock freedom. या serializability होगी, deadlock freedom नहीं होगा, या deadlock freedom होगी but serializability नहीं होगी. So, सबसे पहले जो आपकी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, ये आपको पता होना चाहिए कि इट गारंटीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. मतलब अगर कोई भी आपका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी सीरियलाइजेबल. ठीक है, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया कि टू फेज लॉकिंग जो है इट विल गारंटी व्हाट, सीरियलाइजेबिलिटी. नाउ व्हाट इज दिस एक्सक्लूसिव लॉक्स. ये जो आपका मेंशन है, एक्सक्लूसिव लॉक्स क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव लॉक्स होते हैं कि ओनली वन ट्रांजैक्शन जो है इट कैन लॉक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. मतलब कि अगर O1 जो है आपका ऑब्जेक्ट, इट हैज बीन लॉक्ड बाय टी, तो कोई अदर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एबल टू लॉक दिस जब तक वो उसे रिमूव ना कर. दैट इज द एक्सक्लूसिव लॉक. मतलब नो अदर ट्रांजैक्शन कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अंटिल अनलेस इट इज रिमूव्ड बाय दिस टी. ठीक है, सो द लॉक्स आर अप्लाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई किए जा रहे हैं. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. वाई? बिकॉज जब टी है, ठीक है, अगर टी ने मान लो O1, O2 एंड O4 को लॉक कर लिया है, तो इसका मतलब दीज आर द ट्रांजेक्शन दीज आर द ऑब्जेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड. तो जैसे इसका काम पूरा हो जाएगा, इट विल फ्री दिस, फ्री दीज. सो कोई भी, अब मान लो सपोज दिस इज टी, नाउ सपोज T2 है एंड T2 रिक्वायर्स O2, O5, O6. सो अब क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस हो रहा है. तो जब तक T2 को O2 नहीं मिल जाएगा, T2 विल नॉट बी एबल टू एक्सेस O5, O6. तो अगर कोई T3 है जिसे O5, O6 एंड O8 चाहिए, मीन वाइल T3 विल टेक दी ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. T2 विल हैव टू वेट अंटिल O2 इज अवेलेबल. बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते कि O5 O6 ले लिया देन यू आर वेटिंग फॉर O2. दिस इज नॉट अलाउड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर सिंपली सेज कि अगर आपको O2 मिल गया, तभी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो इसीलिए सीरियलाइजेबिलिटी भी हो रही है बिकॉज टू फेज लॉकिंग है, और डेड लॉक फ्रीडम भी है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एड्रेस. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एड्रेस की वजह से यू आर एबल टू हैव अ डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज में लीड टू एन इररिकवरेबल एरर इन अ डेटाबेस सिस्टम. अ ट्रांजैक्शन राइट्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रेड बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, रीड अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रेड बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, रीड राइट. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका है राइट रीड, ये आपका है रीड रीड राइट, ये आपका है रीड राइट, और ये आपका है अगेन रीड राइट. ठीक है, तो
ये तो आपका हो ही नहीं सकता बिकॉज रीड रीड की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है. अब लेट सपोज वी हैव टू ट्रांजेक्शन्स टी वन एंड टी टू, ठीक है. नाउ टी वन ने क्या किया, वी हैव अ डेटा ऑब्जेक्ट ए, लेट से दैट ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू इज 5 सपोज, ठीक है, या कोई भी वैल्यू नहीं है, लेट से अभी कोई वैल्यू ए की है नहीं, ए इज अ डेटा आइटम एंड इट हैज नो वैल्यू, राइट. सो नाउ सपोज टी वन हैज रिटन ऑन ए, वॉट इट हैज रिटन, इट इज रिटन दैट ए इज इक्वल टू 7. सो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 7, ठीक है. मीन वाइल टी टू इज रीडिंग ए, सो टी टू ने क्या रीड कर लिया, टी टू ने ए की वैल्यू क्या रीड करी, टी टू ने ए की वैल्यू करी रीड 7. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया एबॉर्ट, ठीक है. ओरिजिनली ए की वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए वॉज 5, दिस वॉज दी ओरिजिनल वैल्यू, एंड टी वन अपडेटेड दिस वैल्यू एंड टी टू रेड दिस वैल्यू, बट अबॉर्ट हो गया टी वन. तो जब अबॉर्ट हो गया तो ये वाली वैल्यू भी चली गई बिकॉज ये वैल्यू सेव नहीं हुई, करेक्ट. टी वन वॉज नॉट एबल टू कमिट इट्स ऑपरेशन एंड टी वन अबॉर्टेड बिफोर कमिटिंग. तो ये अब ए की वैल्यू क्या रही, 5, बट टी टू ने क्या रीड कर ली वैल्यू, टी टू के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या हो गई, 7. दिस इज वॉट इज इररिकवरेबल एरर, मतलब टी वन ने वैल्यू अपडेट करी बट वाइल इट वॉज कमिटिंग तब तक टी टू ने वैल्यू रीड कर ली एंड बिफोर कमिटिंग टी वन अबॉर्ट हो गया, तो वैल्यू डमी वैल्यू स्टोर हो गई. अब ए की वैल्यू है 5 ओरिजिनल, बट टी टू ने वैल्यू रीड की 7, तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर टी टू परफॉर्म करेगा कोई भी ऑपरेशन, सो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 7, बट द वैल्यू ऑफ ए इज 5. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ट्रांजेक्शन रीड्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाई एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन. टी वन जो है वो क्या है, आपका अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है. तो टी टू जो है वो रीड कर रहा है डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाई एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है. बात समझ में, कब हुआ इररिकवरेबल एरर, क्या हुआ, यू हैव नॉट कमिटेड द वैल्यू दैट यू हैव अपडेटेड एंड द अदर ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी टेकन दैट वैल्यू, रेड दैट वैल्यू एंड इट्स परफॉर्मिंग ऑपरेशन बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी बी अ बाइनरी सर्च ट्री विद 15 नोड्स. एक बी एस टी है, बाइनरी सर्च ट्री, जिसकी 15 नोड्स हैं. मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल हाइट्स ऑफ टी आर, द हाइट ऑफ अ ट्री विद अ सिंगल नोड इज 0. मतलब जो रूट नोड पे है आपका उसकी क्या हाइट है, 0, ठीक है. अब मैक्सिमम ट्री कब हो सकता है, मैक्सिमम ट्री होता है जब होता है स्क्यूड. स्क्यूड पता है आप लोगों को क्या होता है, स्क्यूड ट्री होता है या तो वो ऐसा होता है लाइक दिस, या फिर वो ऐसा होता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इट गोज. सो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी हो सकती है, स्क्यूड ट्री है आपका 14, बिकॉज अगर ये वैल्यू आपकी 0 है एंड 15 नोड्स हैं आपके, तो इट विल गो फ्रॉम 0 टू 14, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, 14, मैक्सिमम हाइट हो गई आपकी 14, आपकी ये दो ऑप्शन है, दैट इज 3 या 4 हो सकती है. अब मिनिमम कैसे फाइंड करोगे, मिनिमम का केस का मतलब है कि आपका जो ट्री है वो क्या है, फुल बाइनरी सर्च ट्री, मतलब ईच नोड इज हैविंग 2 चाइल्ड. तो ऐसा आप कराओ, कम दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो ये 0 हो गया, 0, 1, 2 एंड 3. सो वॉट इज द मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट हो गई आपकी 3. कितनी हो गई मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट हो गई 3. सो वॉट इज द फॉर्मूला, द क्वेश्चन आंसर इज 3 एंड 14. अब देखो ये थे 15 नोड्स का कैलकुलेट करना वॉज वेरी इजी बिकॉज वी वर एबल टू ड्रॉ अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री ऑफ 15 नोड्स. मैक्सिमम के केस में द फॉर्मूला इज एन माइनस वन, एन आपकी ये वैल्यू है एन, 15, 15 माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम. मिनिमम के केस में क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम के केस में फॉर्मूला इज लॉग बेस 2n+1, ठीक है, माइनस 1, मतलब कैसे, सो लॉग बेस 2, व्हाट इज n, n इज 15, 15 प्लस 1 माइनस 1, सो व्हाट इज लॉग बेस 2,
16 minus 1. What is log base to 16? 4. 4 minus 1 will give you 3. So this is the formula for minimum. ये आपका मिनिमम का फॉर्मूला हो गया लॉग बेस टू एन माइनस वन, एंड ये आपका मैक्सिमम का फॉर्मूला, ठीक है? सो ये याद रखना, बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल नोड, 15 नोड्स छोटी होती है, यू आर एबल टू ड्रॉ द ट्री, बट अगर कहीं 55 नोड्स हो गए या 80 नोड्स हो गए या 100 नोड्स हो गए, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है? तो आंसर हो गया आपका 3 एंड 14, मिनिमम हाइट 3 एंड मैक्सिमम हाइट 14. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो अ नाइस क्वेश्चन. कंसीडर थ्री प्रोसेस. सो व्हाट वी विल डू, मीनवाइल वी विल राइट दिस आल्सो. सो वी हैव थ्री प्रोसेसेस, P1, P2, P3. All arriving at time zero, मतलब सबके arrival time zero है. Total execution of 10, 20 and 30 units. मतलब P1 is executing for 10 units of time, P2 is executing for 20 units of time and P3 is executing for 30 units of time. Each process spends first 20% of execution time doing IO. So now we'll calculate first, meanwhile we'll calculate IO. कितना परसेंट? 20%. सो 20% ऑफ 10, व्हाट इट विल बी? 2. मतलब 2 यूनिट्स ऑफ टाइम P1 इज स्पेंडिंग ऑन IO, ठीक है? ये कितना कर रहा है? 20% ऑफ 20 ओनली, दैट इज 4. और ये कितना कर रहा है? 20% ऑफ 30, दैट इज 6. मतलब ये टाइम आपके IO का है, ठीक है? Each process spends first 20% of execution time. ये आपका execution time था 10 units of P1, 20 units P2K and 30 units P3K. So out of these, this execution time, first 20% किसने ले ली? IO ने. मतलब कि 2 units, जो पहले 2 unit हैं, वो IO में हैं, 4 units IO के हैं और 6 units IO के हैं, P1, P2 and P3. ठीक है? उसके बाद, next 70% डूइंग कंप्यूटेशन, मतलब कि ये आपका CPU है. तो नेक्स्ट 70%, मतलब अब CPU कितना हो गया? CPU के लिए कैसे निकालोगे? 70% ऑफ 10, ठीक है? दैट इज 7. ये कितना हुआ? 70% ऑफ 20, दैट इज 14. और ये कितना हुआ? 70% ऑफ 30, दैट इज 21. तो ये टाइम आ गया CPU का. एंड लास्ट क्या बोल रहे हैं वो? लास्ट वो कह रहे हैं 10% ऑफ टाइम डूइंग IO अगेन. अब ये टाइम कितना हो गया आपका IO का दोबारा से? 10%. सो 10% ऑफ दिस विच विल बी 1. इसका क्या हुआ? 10% 2. एंड इसका क्या हुआ? 10% 3. तो ये आपका बेसिकली हो गया कि आउट ऑफ 10 यूनिट्स, अगर हम P1 की बात करें, सो P1 जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम पहला वो दे रहा है IO को, फिर 7 यूनिट्स ऑफ टाइम वो दे रहा है CPU को, और फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम लास्ट का वो दे रहा है IO. सिमिलरली P2 20 में 4 यूनिट्स ऑफ टाइम उसने दिया IO को, 14 यूनिट्स ऑफ टाइम उसने दिया CPU को, एंड देन 2 यूनिट ऑफ टाइम उसने दिया IO को अगेन. सिमिलरली फॉर P3, 6 यूनिट्स ऑफ टाइम IO, 21 units of time CPU and 3 units of time IO. ठीक है, story done. The operating system, वो क्या कह रहे हैं? The operating system uses shortest remaining compute time. मतलब ये आप समझो SRTF, shortest remaining time. Scheduling algorithm and schedules a new process either when the running process gets blocked on IO. और when the running process finishes compute burst, मतलब कि अगर IO का टाइम आ जाए तब वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ करता है नए प्रोसेस को, या फिर जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है उसका कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया. अज्यूम दैट ऑल IO ऑपरेशंस कैन बी ओवरलैप्ड एज मच एज पॉसिबल, फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डज CPU रिमेन आइडल. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ चार्ट, ठीक है? सो चार्ट कैसे बनाओगे?
यू विल स्टार्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑल दी प्रोसेसेस हैव अराइव्ड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो. ये लिखा हुआ है ऑल अराइविंग एट टाइम जीरो. लेकिन अब नाउ यू सी पी वन जो है फॉर टू यूनिट्स ऑफ टाइम वॉज डूइंग आई ओ. मतलब कि फ्रॉम जीरो टू टू, जीरो टू टू योर सी पी यू वॉज आइडल. यस बिकॉज इस टाइम पे पी वन वॉज डूइंग आई ओ तो पी वन वॉज नॉट अवेलेबल, नीदर पी वन नॉर पी टू नॉर पी थ्री. करेक्ट. अब पी वन विल एग्जीक्यूट बिकॉज एट टाइम टी इक्वल टू टू पी वन का आई ओ ओवर हो गया. पी वन का आई ओ ओवर हुआ. नाउ फॉर सेवन यूनिट ऑफ टाइम पी वन विल एग्जीक्यूट. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जैसे ही फोर होगा पी टू विल कम, जैसे ही फोर हुआ पी टू विल कम. बट नो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शेड्यूल्स अ न्यू प्रोसेस ईदर वेन रनिंग प्रोसेस गेट्स ब्लॉक्ड ऑन आई ओ और वेन द रनिंग प्रोसेस फिनिशेस. अब जब तक आई ओ कब आएगा पी वन का, पी वन का आई ओ आएगा आफ्टर सेवन यूनिट्स ऑफ टाइम. सो जब तक आई ओ नहीं आता या फिर पी वन का कंप्लीट हो जाता एग्जीक्यूशन तब तक वी हैव टू रन पी वन ओनली. सो सिक्स हुआ तब भी पी वन विल एग्जीक्यूट सेवन यूनिट ऑफ टाइम पे. मतलब कि टू सेवन कितना हो गया, सेवन प्लस टू नाइन. मतलब कि जैसे ही यहाँ पे नाइन आएगा बिकॉज ये कितना हुआ, नाइन माइनस टू इज सेवन. करेक्ट. कि आपका टाइम कितना हुआ, नाइन माइनस टू इज सेवन. सो सेवन, जैसे आपके सेवन यूनिट्स ऑफ टाइम कंप्लीट हुए पी वन जो है वो कहाँ चला गया, पी वन चला गया यहाँ पे आई ओ पे, अपने आई ओ को एग्जीक्यूट करते. करेक्ट. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टू. नाउ पी टू विल एग्जीक्यूट फॉर हाउ मच टाइम, फोर्टीन. सो फोर्टीन, फोर्टीन एंड नाइन विल ट्वेंटी थ्री. सो पी टू विल एग्जीक्यूट फॉर ट्वेंटी थ्री यूनिट्स ऑफ टाइम और यहाँ पे वो चला जाएगा आई ओ पे. नाउ पी थ्री विल एग्जीक्यूट फॉर हाउ मच टाइम, पी थ्री विल एग्जीक्यूट फॉर ट्वेंटी वन, दैट इज फोर्टी फोर. सो ये आपका फोर्टी फोर तक पी थ्री विल एग्जीक्यूट. एंड यहाँ पे अब आपका सी पी यू कम्प्लीट हो गया है ना, सी पी यू की वर्किंग कम्प्लीट हो गई. बट अभी ट्वेंटी वन के बाद थ्री यूनिट्स ऑफ टाइम स्टिल इट इज गोइंग टू गिव टू आई ओ. तो थ्री यूनिट्स ऑफ टाइम तक सी पी यू अगेन विल रिमेन आइडल है ना. सो एट टाइम टी इक्वल टू 47 जो है आपका जो पूरा एंटायर प्रोसेस है, जो एंटायर आपका सिस्टम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा. यहाँ पे ये आई ओ के लिए चला गया पी थ्री, ये आपका पी वन गया आई ओ के लिए यहाँ पे. नाउ हियर पी टू वेंट फॉर आई ओ एंड दिस टाइम इज वेयर पी थ्री वेंट फॉर आई ओ फॉर 3 सेकेंड, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम. सो टोटल टाइम कितना हुआ आपका, टोटल टाइम हो गया 47 यूनिट्स. एंड आइडल टाइम कितना हुआ, आइडल टाइम हुआ यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, दैट इज 5. सो परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम 5/47 इनटू 100, दैट इज 10.6%. सो सीपीयू आइडल कितने टाइम के लिए रहा, सीपीयू वाज आइडल फॉर 10% ऑफ द टोटल. व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम, 10.6%. सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन. कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है. लाइन बाय लाइन यू हैव टू एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे इजिली आप कर पाओगे क्वेश्चन. ठीक है. ओके. इन केस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन फील फ्री टू राइट ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्ट ए सेंड्स अ यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 8880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा. ठीक है. टू होस्ट बी ओवर एन ईथरनेट लैन. ईथरनेट फ्रेम्स में कैरी अप टू 1500 बाइट्स. मतलब आपकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब इफ दिस इज योर ए. ठीक है. दिस इज योर होस्ट ए एंड दिस इज द चैनल इट इज यूजिंग टू ट्रांसमिट द डेटा और ईथरनेट लैन इट इज यूजिंग ट्रांसमिट द डेटा टू होस्ट बी. ठीक है. सो कितना डेटाग्राम कितना है, 8880 बाइट्स का है. ठीक है. यूजर डेटा एंड ये आपका सिर्फ यूजर डेटा है. ठीक है. इसमें अभी हेडर ऐड नहीं हुआ है. तो यूजर डेटा है 8880 बाइट्स का. व्हाट इज द, what you can say,
वॉट इज दी बेसिकली MTU इज मतलब कि ये जो आपका ईथरनेट लैन है ये सिर्फ 1500 bytes ऑफ डेटा कैरी कर सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. मतलब भले आपका डेटा का साइज 8880 bytes है बट दिस ईथरनेट फ्रेम कैन कैरी ओनली 1500 bytes एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब साइज ऑफ यूडीपी हेडर इज 8 bytes एंड साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 bytes. ऑप्शन फील नहीं है आईपी हेडर में. दे आर आस्किंग हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स विल बी ट्रांसमिटेड एंड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट. कैसे होगा? अब देखो एमटीयू की साइज है 1500 bytes जिसमें से आईपी हेडर भी 20 bytes का है. ठीक है, सो डेटा साइज कितना हो जाएगा? डेटा साइज फॉर ईथरनेट कितना अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है? 1500 minus 20 दैट इज 1480 byte. अब वाई वी डिड -20 बिकॉज ये 1500 bytes जो हैं ये आपका ओवरऑल ट्रांसमिशन यूनिट का साइज है, इसमें आपका आईपी हेडर भी इंक्लूडेड है. ठीक है, इस 1500 में दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड आईपी हेडर एंड यहीं पे इसलिए लिखा हुआ है कि साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 bytes. सो दिस मीन्स कि डेटा कितना कैरी कर सकता है ये ईथरनेट लैन? 1480 bytes बिकॉज 20 bytes तो आपके साइज के अलग हो गए. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ डेटाग्राम? डेटाग्राम का टोटल साइज कितना होगा? 8880 bytes ऑफ डेटा प्लस 8 bytes ऑफ हेडर. ये आपके हेडर के bytes भी तो इंक्लूड होंगे. देखो MTU में हमने साइज में हेडर को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन कैरी. लेकिन जब आप यूडीपी का डेटाग्राम लेके जाओगे तो उसमें नहीं पता कि यूजर डेटा कितना है और मतलब यूजर डेटा कहाँ से है, हेडर bytes कहाँ तक है. सो उसमें वी विल इंक्लूड ऑल द थिंग्स दैट इज 4 times 8 bytes. So how many fragments you will take? What will be number of fragments? Number of fragments आप easily calculate कर सकते हो. Number of fragments हो जाएंगे total size divide by size of Ethernet 1480. That will give you 7. So this means that how many frames are possible? 7 IP fragments are there. So C or D में से आपका answer होगा. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट. फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज बेसिकली कि एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से पहले कितना अमाउंट ऑफ डेटा है जो ऑलरेडी जा चुका है. मतलब कि अगर सपोज आई एम सेइंग दीज आर माय 3 fragments. ठीक है, ये 3 fragments हैं. ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये सेकेंड फ्रेगमेंट है एंड दिस इज थर्ड फ्रेगमेंट. सो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या होगा? इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा 0. What is fragmentation offset? Fragmentation offset is how much amount of data is already traveling ahead of this fragment. मतलब इस particular fragment से पहले कितना data है already जा चुका है. Suppose इसकी आपकी size मान लो 20 bytes. Suppose let's say. ठीक है, तो इसका fragmentation offset हो गया 20 और इसका fragmentation offset हो गया 40 क्योंकि ये 20 और ये 20. समझ में आया? What is fragmentation offset? Fragmentation offset is basically कि it is a field that tells ki how much data is already ahead of this particular fragment. Matlab second fragment se pehle kitna amount of data travel kar raha hai. To kitna data amount travel kar raha hai? 20 bytes. To yahan pe 20 bytes aa gaya. Third fragment se pehle kitna data travel kar raha hai? 20 bytes first fragment ke, 20 bytes second fragment ke. That is 40 bytes. So this is your fragmentation offset. Theek hai? Fragmentation offset kaise nikaloge? Fragmentation offset hota hai size of MTU without header divide by 8. अब 8 से क्यों divide करते हैं उसका ये statement सुनो. Fragment offset क्या होता है? 13 bits का होता है. ठीक है, it is used to identify the sequence of fragments in the frame. It generally indicates number of data bytes preceding or ahead of the fragment. Maximum fragment offset possible कितना है? 65535 minus 20. That is 65515. So we need 16 bits. अगर आप इसका log निकालोगे, so that is 16 bits.
वी नीड 16 बिट्स फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, लेकिन फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की कितनी बिट्स हैं, 13 बिट्स हैं खाली. तो 2 to the power 16 माइनस 2 to the power डिवाइड बाई 2 to the power 13 विल गिव यू 8. सो दैट इज योर स्केलिंग फैक्टर. तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जब भी निकालते हो इट ऑलवेज शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 8 एक्सेप्ट द लास्ट फ्रेगमेंट. लास्ट फ्रेगमेंट हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ 8 ना हो, बट कोई भी फ्रेगमेंट ऑफसेट आप निकाल लो किसी भी उसका, तो इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 8. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल समझाया था, इसलिए 20 bytes को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इट वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हो गया ये. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फॉर लास्ट फ्रेगमेंट. तो कैसे निकालोगे, 1480 इंटू हम 7th फ्रेगमेंट के लिए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालें, बिकॉज 7th फ्रेगमेंट हमारा क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट है ना. 7th फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, तो दैट इज 1480 इंटू 6, मतलब जितने भी फ्रेगमेंट्स उससे ऊपर हैं, डिवाइड बाई 8, दैट इज 1110. सी 7 फ्रेगमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ, ये हमारा लास्ट फ्रेगमेंट है. ठीक है, एंड देर आस्किंग की फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इसका क्या होगा. अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ऑल फ्रेगमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट फ्रेगमेंट शुड हैव डेट एंड मल्टीपल्स ऑफ 8. तो यहाँ पे जितने भी इसका तो फ्रेगमेंटेशन 0 हो गया, इसके जो भी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होंगे ऑल विल बी मल्टीपल ऑफ 8. अब सेवन्थ का निकालने के लिए क्या है, साइज ऑफ एम्प्टी विदाउट हेडर. साइज ऑफ एम्प्टी विदाउट हेडर इज 1480, और 7 से पहले कितने फ्रेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 8, बिकॉज 8 इज योर स्केलिंग फैक्टर. सो 1110 विल बी द ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट. कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस ये थोड़ा पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे. आई हैव ऑलरेडी टेकन क्लास ऑफ IPv4 फ्रेगमेंटेशन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्लास को विजिट कर सकता है, सर्च करके आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्सर इज और आर करेक्ट. कैनोनिकल LR इज मोर पावरफुल देन SLR, SLR इज मोर पावरफुल देन LALR, SLR इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR. तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है आपका CLR, दैट इज कैनोनिकल LR. उसके बाद लेस पावरफुल होता है LALR, उसके बाद लेस पावरफुल होता है SLR, एंड उसके बाद सबसे लीस्ट पावरफुल होता है LR. दिस इज दी हायरार्की. ठीक है, सो क्या कह रहे हैं, CLR दैट इज कैनोनिकल LR इज मोर पावरफुल देन SLR, करेक्ट. SLR इज मोर पावरफुल देन LLR, नो. SLR इज मोर पावरफुल देन कैनोनिकल LR, नो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये आपकी हायरार्की है, दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. Okay, this is also a nice question. Let G be a multiplicative group and A belongs to G. If order of A is 6, then the order of A to the power 5 is equal to. So, इसके लिए ये आपकी theorem है. ये theorem क्या है? Let A be an element in a group such that order of A is equal to n. So, यहाँ पे A की value क्या है? पता नहीं, ठीक है? Order of A is what? Order of A is n, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है 6. If p is a positive integer, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी हुई है, p की वैल्यू आपको दी हुई है 5, because order of A of p is equal to n upon GCD of n comma p. ये दिया हुआ है order of A to the power p, मतलब order of A to the power 5 is equal to n की वैल्यू 6 upon GCD of 6, 5. What is the GCD of 6 and 5? Common divisor is 1. So, आपका आंसर क्या आ गया? 6. So, with this theorem, you can learn this. You can do this question. तो ये theorem थोड़ी important है. Because this is a direct question. कुछ भी नहीं इस question में. So, ये theorem आपको learn करनी होगी. ठीक है? कुछ भी नहीं है theorem में. बस simple सा एक formula है जो आपको पता होना चाहिए कि A क्या है, N क्या है, order of A क्या है, P क्या है. ये सब चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए. सिंपल सा इजी क्वेश्चन. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. गिवन द रिलेशन एम्प्लॉय दैट इज नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग बेसिक रिलेशनल एलजेब्रा ऑपरेशन. सो डिपार्टमेंट एड्रेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हूज नेम इज इन सेम एज डिपार्टमेंट नेम, सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरीज, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ गिवन डिपार्टमेंट. सो बेसिक रिलेशनल एलजेब्रा से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप नहीं परफॉर्म कर सकते. अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, जैसे कि सम, मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीजें आप नहीं परफॉर्म कर सकते. एवरेज, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट विद बेसिक रिलेशनल एलजेब्रा. तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्वेरी कैन नॉट बी एक्सप्रेस सम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ये है जो आप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ बेसिक रिलेशनल एलजेब्रा ऑपरेशंस. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले. Okay, so this is also a nice question. The first order logic FOL statement R or Q and P or Q bar is equivalent to. Now for doing these questions, the best way is what? जो आपका OR है, ठीक है, ये इसको आप plus में convert कर लो, और जो AND है इसे आप multiplication में convert कर लो. It will be very easy to solve this question. So ये क्या बन जाएगा आपका, ये statement क्या बन जाएगा, R plus Q into P प्लस क्यू बार. ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर पी प्लस आर क्यू बार प्लस पी क्यू, क्यू क्यू बार विल बी ओवर, है ना. तो आपका ये स्टेटमेंट आया, कुछ और कॉमन तो आ नहीं रहा कहीं से कहीं भी. सो अब हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन. So I'll directly write it like this only, ठीक है, R plus Q bar multiply P plus Q bar multiply R plus P. So ये आपका जब आप इसे solve करोगे, this will be R P plus R Q bar plus P Q bar plus Q bar, है ना, क्यू बार ही होगा ना, क्यू बार इंटू क्यू बार इज क्यू बार इंटू आर प्लस पी. सो अगेन आर आर पी आपका ऐसे ही रहा, आर पी प्लस ये आपका एज इट इज रहा आर क्यू बार प्लस पी क्यू बार आर प्लस आर क्यू बार ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सो आई जस्ट इग्नोर दिस. पी आर आप ऑलरेडी ले चुके हो, पी क्यू बार आर आप ऑलरेडी ले चुके हो, पी क्यू बार आर, फिर पी क्यू बार आपको लिखना है और. ठीक है, ये हो गया. अब आर पी प्लस पी क्यू बार, इसमें सॉरी दिस आर क्यू बार, यहां से आप पी क्यू बार कॉमन ले लोगे, दिस विल गिव यू आर प्लस वन, दिस विल बी वन ओनली. सो इससे आपको मिल गया आर पी प्लस आर क्यू बार प्लस पी क्यू बार. सो आर पी प्लस आर क्यू बार प्लस पी क्यू बार, यहाँ पे बार है, सो बिकॉज ऑफ दिस पी क्यू बार, यहाँ पे पी क्यू है, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑप्शन नंबर वन. सो ये आपका कैंसिल हो गया. नेक्स्ट वील चेक फॉर ऑप्शन नंबर टू, दैट इज बी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इट्स वेरी इजी अगर आप सॉल्व करना करोगे. ठीक है, आर प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बार into R plus P. So this is solve करोगे, so it will be R P plus R Q bar plus P Q. Q into Q bar is zero, so we will not add this. So R plus P. So ये आपका R P हो गया, R P plus again R P हो गया, then this one R Q bar plus P Q bar R plus PQR. कुछ नहीं है, बस वी आर जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग विद दिस एंड दिस प्लस पी क्यू. ठीक है, सो आर पी एज इट इज रहा प्लस
आर क्यू बार को आप ऐसे रहने दो, प्लस इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो. हाँ, इसमें आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. सो दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक आर पी कॉमन. सो यहाँ से आ गया वन प्लस क्यू बार, ठीक है, प्लस आर क्यू बार प्लस. यहाँ से व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक पी क्यू कॉमन, इट विल बी आर प्लस वन. सो ये हो गया आर पी प्लस आर क्यू बार प्लस पी क्यू. सो आर पी प्लस आर क्यू बार प्लस पी क्यू, तो ये और ये आपके इक्विवेलेंट आ गए. सो नाउ देयर इज नो नीड टू सॉल्व फर्दर. सो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर टू. सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन नंबर टू. जो आपको पहले मिल गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट, वी हैव गॉट द आंसर. सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व फर्दर थ्री एंड फोर. बट इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई दिस एज योर सेल्फ कि थ्री और फोर को भी आप सॉल्व करके देखो कि आपको क्या आंसर आते हैं. आई सजेस्ट ऑल कि प्लीज उसको ट्राई करना थ्री और फोर को भी सॉल्व करने का, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आंसर आ रहे हैं, क्या आंसर आ रहे हैं. ठीक है, ओके. सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन. वॉट दे आर सेइंग, कंसीडर अ डिस्क पैक विद अ सीक टाइम ऑफ 4 मिलीसेकंड्स. ठीक है, 4 मिलीसेकंड्स एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ 10,000 रोटेशंस. तो सीक टाइम आपको गिवन है 4 मिलीसेकंड का और रोटेशनल स्पीड दी है आपको 10,000 रोटेशंस पर मिनट आरपीएम. ठीक है, 10,000 रोटेशंस पर मिनट. 600 सेक्टर्स हैं पर ट्रैक और ईच सेक्टर कैन स्टोर 512 बाइट्स ऑफ डेटा. कंसीडर अ फाइल स्टोर्ड इन डिस्क, फाइल कंटेन्स 2,000 सेक्टर्स. ठीक है, मतलब एक ट्रैक पे 6,000 सेक्टर्स हैं एक ट्रैक पे. टोटल फाइल में कितने सेक्टर्स हैं, 2,000. ठीक है, अज्यूम दैट एवरी सेक्टर एक्सेस नेसेसिटेट्स अ सीक एंड एवरेज रोटेशनल लेटेंसी फॉर ईच सेक्टर इज हाफ ऑफ द टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन. मतलब एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी इज हाफ ऑफ दैट. तो टोटल टाइम कितना हुआ टू रीड द एंटायर फाइल. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली टोटल टाइम नीडेड टू रीड द एंटायर फाइल इज इक्वल टू टोटल सेक्टर्स into total time to access the file. ठीक है, अब ये वैल्यू आपको पता है, दिस वैल्यू इज वॉट, दिस वैल्यू इज 2,000. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल टाइम टू एक्सेस द फाइल. हाउ वी डू इट, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम, इसको मैं नेक्स्ट उस पर क्लिक करूँ. यहाँ पे लिखते हैं टोटल टाइम टू एक्सेस द फाइल दैट इज इक्वल टू, इसमें आपके तीन टाइम आते हैं. ठीक है, एक होता है सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम. ठीक है, आप यहां देखो जो आपकी हार्ड डिस्क है, इट इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स. ये आपके ट्रैक्स हैं एंड यूजर वांट टू फेच सम डेटा. सीक टाइम इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द हेड टू मूव फ्रॉम इट्स करंट ट्रैक टू वेयर द डेटा इज प्रेजेंट. मतलब यहाँ पे था करंट ट्रैक आपका, तो अगर डेटा सपोज यहाँ प्रेजेंट है तो यहां से यहां जो मूवमेंट हो रहा है उस द टाइम टेकन बाय द हेड टू मूव फ्रॉम इट्स करंट ट्रैक टू वेयर द डेटा इज प्रेजेंट इज नोन एज सीक टाइम. वो आपको क्या गिवन है, सीक टाइम गिवन है आपको 4 मिलीसेकंड्स. ठीक है, इवन आफ्टर दिस इट माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम मोर बिकॉज डेटा इज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रैक एंड दिस डिले इज नोन एज रोटेशनल लेटेंसी. मतलब हो सकता है कि डेटा यहां पे प्रेजेंट हो, है ना, तो और जब आपको यहां पहुंच गए सो नाउ यू हैव टू वेट मोर कि ये वाली चीज यहां आ जाए. दैट इज योर रोटेशनल लेटेंसी. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया.
एक हो गया सीक टाइम, एक हो गया रोटेशनल लेटेंसी, एक है डेटा ट्रांसफर टाइम. ट्रांसफर टाइम इज द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द डिस्क. ठीक, अब नाउ व्हाट यू विल डू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटन दैट रोटेशनल स्पीड है 10,000 रोटेशंस पर मिनट. सो वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. ठीक है, 10,000 रोटेशंस पर मिनट मतलब कि इन वन मिनट हाउ मेनी रोटेशंस वी आर डूइंग, वी आर डूइंग 10,000 रोटेशंस. ठीक है, वन मिनट मीन 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में आप कितने रोटेशंस कर रहे हो, 10,000 रोटेशंस. सो 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस करोगे, वन सेकेंड में यू विल डू हाउ मेनी रोटेशंस, 10,000 डिवाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6 मिली सेकेंड. वाई 6 मिली सेकेंड, बिकॉज सीक टाइम मिली सेकेंड में गिव, मतलब कि क्या हो गया, एक रोटेशन के एक रोटेशन कितने टाइम, एक सेकेंड में, सॉरी नो नो सॉरी इट विल बी वन रोटेशन, सॉरी दिस विल बी नॉट लाइक दिस, इट विल बी 10,000 रोटेशंस आर डन इन 60 सेकेंड्स. वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट कि एक रोटेशन कितने टाइम में हो रहा है, राइट, 10,000 रोटेशंस इन 60 सेकेंड्स. सो वन रोटेशन विल बी डन इन 60 अपॉन 10,000, दैट इज 6 मिली सेकेंड. ठीक है, एक रोटेशन कितने टाइम में हो रहा है, एक रोटेशन विल टेक हाउ मच टाइम, वन रोटेशन विल टेक 6 मिली सेकेंड्स. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, assume that every sector axis necessitates a seek and average rotational latency for accessing each sector is half of the time for one complete revolution. One revolution or one rotation is done in 6 milliseconds. So what will be average rotational latency? Six milliseconds ka half. That is what is written here. So you get 3 milliseconds. So, यहां पे आपका ये टाइम हो गया 4 मिली सेकेंड, ये टाइम हो गया 3 मिली सेकेंड. नाउ वी हैव टू फाइंड डेटा ट्रांसफर टाइम, वो क्या होता है, तो एक रोटेशन में आप कितने डेटा रीड कर, in one rotation you are reading 600 into 512 bytes of data, yes or no? एक रोटेशन का मतलब क्या है, एक रोटेशन का मतलब है कि पूरे जितने भी ये पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज. सो इट इज वन ट्रैक, वन ट्रैक इज मेड अप ऑफ 600 सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर इज होल्डिंग हाउ मच डेटा, 512 bytes of data. सो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ओनली, one rotation is having how many bytes of data, 600 into 512 bytes of data, correct? What will be data transfer rate? Data transfer rate ho gaya 600 milliseconds, matlab ek rotation itne time mein ho raha hai, और टोटल ट्रैक्स कितने हैं 600, दैट इज 1 अपॉन 100 मिली सेकेंड. ट्रांसफर रेट क्या होता था, ट्रांसफर रेट इज बेसिकली अपॉन है ना सेकेंड्स में, तो वन रोटेशन कंप्लीट इन 6 मिली सेकेंड्स एंड टोटल ट्रैक्स कितने हैं, सेक्टर्स कितने हैं एक ट्रैक में, एक रोटेशन है आपका, ठीक है, दिस इज योर वन रोटेशन. वन रोटेशन मीन्स यू आर कवरिंग वन ट्रैक, वन ट्रैक में यू हैव हाउ मेनी सेक्टर्स, 600 सेक्टर्स, एंड हाउ मच टाइम यू टेकिंग टू ट्रैवर्स इट और time to traverse it completely 6 milliseconds. So data transfer rate ho gaya 1 upon 100. So ye aapka ho gaya 1 upon 100 milliseconds. So ye aapka ho gaya 7 plus 0.01, that is 7.01 milliseconds. Now what we have to do, now we have to simply write it in this formula. So this will be 2000 into 7.01, that is 14020 milliseconds. कुछ नहीं है, सिंपल बस फॉर्मूला सब्सिट्यूट करना है, नथिंग एल्स. ट्रैक और सेक्टर्स का कनेक्शन क्या है वो देखना है, एक रोटेशन कितने टाइम में हो रहा है, एक रोटेशन किसको कवर कर रहा है, वन रोटेशन इज कवरिंग वन ट्रैक, ठीक है, एक रोटेशन एक ट्रैक को कवर कर रहा है. सो उसके हिसाब से वी हैव कंप्यूटेड डेटा ट्रांसफर रेट,
एंड देन वी हैव कंप्यूटर रोटेशन लेटेंसी, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि रोटेशन लेटेंसी इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन रोटेशन. तो वन रोटेशन कम्प्लीट हुआ 6 मिलीसेकंड में, तो हाफ हो गए 3 मिलीसेकंड, इसलिए एवरेज रोटेशन लेटेंसी आपकी 3 मिलीसेकंड हो गई. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, so that's all for this session. See you in the next session, and in next session we will be discussing the further more questions jo hain aapke, jo remaining questions hain, we will be discussing those questions. Okay, chalo, thank you everyone.